जनरल एसएससी एग्जाम वॉल्यूम में। दोस्तों, एसएससी ने 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल की रात को एक नोटिस अपडेट दिया है जो सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, आप लोग का सीजीएल हो। यहाँ पर ये नोटिस है वो आप लोग की भर्ती प्रक्रियाओं के रिगार्डिंग है, जो आने वाली भर्ती प्रक्रियाएं हैं एसएससी जीडी की या फिर सीएचएसएल की, या फिर जिन भर्ती प्रक्रियाओं का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जैसे 2018 की सीजीएल की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आया है, 2018 की जीडी भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आया है, सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, इन सभी रिजल्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उस समय आप लोगों का एक ऑप्शन आता होगा जिसपे मैक्सिमम कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन का क्लिक आता है। तो आप लोग उस पर जब भी आप लोग फॉर्म क्लिक करते होंगे तो आप लोग यस कर देते होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यस ही करते हैं, और यस करने के बाद आप लोग आगे फर्दर बढ़ जाते हैं। तो ये 2016 में डीओपीटी की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था कि जो भी डाटा रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे एसएससी के एग्जाम में, उनका डाटा जो है पब्लिकली एसएससी की वेबसाइट पर, डीओपीटी की वेबसाइट पर डाला जाएगा। लेकिन 2016 में ये रूल आया था, लेकिन अभी तक एसएससी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब एसएससी ने 22 अप्रैल को नोटिस अपडेट दिया है जिसके अंदर एसएससी ने बताया है कि जो भी रूल था डीओपीटी की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जो है डाटा, जो भी डाटा रहेगा एस्पिरेंट्स का, यानी जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, उन कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप लोगों की जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर फिजिकली हैंडीकैप या फिर माइनॉरिटी, इसके बाद जेंडर जो भी आप लोग रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर आप लोगों के कितने मार्क्स रहेंगे, रैंक आप लोगों की क्या रहेगी, इसके बाद आप लोगों का कंप्लीट एड्रेस और ईमेल आईडी, ये 10 डाटा जो है एसएससी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी उन कैंडिडेट्स का जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें आप लोगों के क्या रूल रखे गए हैं, सबसे पहले देखिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के फाइनल स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो इसमें आप लोगों का डाटा पब्लिश होगा। अगर आप लोग पहले टायर में या सेकेंड टायर में नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप लोगों का डाटा पब्लिश नहीं होगा, यानी आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट तक रुके रहना है। जैसे जीडी के अंदर आप लोगों को मेडिकली क्वालिफाइड होना है, इसके बाद सीजीएल के अंदर आप लोगों को तीनों टायर क्लियर कर लेने हैं, सीएचएसएल में दोनों टायर आप लोगों को क्वालिफाई कर लेने हैं, तो ही आप लोगों का जो है डाटा यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। ये पब्लिक डोमेन रहेगा जिसके अंदर आज कोई भी कंपनी हुई या फिर कोई भी एस्पिरेंट्स हुआ किसी और का डाटा देख सकता है, जिसमें उसके मार्क्स देख सकता है, उसका एड्रेस देख सकता है, उसकी मेल आईडी देख सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग की पब्लिकली अनाउंस रहेंगी। इसके बाद आप लोग का नीचे आएंगे तो नीचे पॉइंट बता रखे हैं कि देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो डाटा रहेगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर बता हुआ है जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका डाटा पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अंदर बताया गया कि नवम्बर 2020 के बाद जो भी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उनका डाटा यहाँ पर पब्लिश होगा। जैसे नवम्बर 2020 के बाद आप लोग का सीपीओ का रिजल्ट आया, इसके बाद आप लोग का जीडी का रिजल्ट आया, एसएससी जीडी का, इसके बाद आप लोग का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, तो ये 3 रिजल्ट हैं जो अनाउंस किए गए थे 2018 की भर्ती प्रक्रिया के। तो इन तीनों रिजल्ट्स के आप लोग के डाटा जो रहेंगे वो आप लोग की एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश होंगे या डीओपीटी की वेबसाइट पर। डीओपीटी की वेबसाइट पर अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं ना एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश हुए हैं, अभी आप लोग के आगे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो इसमें आप लोग का जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बट नॉट रिकमेंडेड, तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम रहेगा जिनको फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में पहुंच चुके हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं हुए। मान के चलिए आप लोगों की जो वैकेंसीज थी वो आप लोगों की 11,000 वैकेंसीज थी, अगर आप लोगों की कट ऑफ रहती है 11,003 तो आप लोग 3 पॉइंट से आप लोग नॉट क्वालिफाइड माने जाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, सभी डाटा रहेगा, रैंकिंग रहेगी, कैंडिडेट्स के मार्क्स रहेंगे। अगर किसी प्राइवेट एजेंसी को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू या फिर एसएससी जीडी के थ्रू या फिर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू अगर प्राइवेट रिक्रूट करना होता है तो वो पब्लिक डोमेन में जाकर वहां से चेक कर सकता है और इजिली जो है एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उनको एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, वो वहीं से उसी मार्क्स से एसएससी के मार्क्स के बेसिस पर जो है सिलेक्शन ले सकता है, तो ये यहाँ पर फायदा हो जाएगा। डीओपीटी की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया था उसमें आप लोगों को ये फायदा रहेगा। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने मार्क्स या फिर अपना पब्लिक डाटा, जो आप लोगों का डाटा है वो वेबसाइट पर पब्लिक नहीं कराना है, अभी देखिए आप लोग जो फॉर्म फिल करें उसमें आप लोग क्लियरली जो ऑप्शन होता है पब्लिक डाटा का
उसको आप लोग नो पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का डाटा जो है पब्लिकली अनाउंस नहीं होगा। अगर आप लोग येस पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आप लोग का जो डाटा रहेगा वो पब्लिकली अनाउंस हो जाएगा। ये दो पॉइंट हैं जो एसएससी ने जारी किए हैं, यानी आप लोग का अगर आप लोग टिक करेंगे तो आप लोग का डाटा अनाउंस होगा, अगर आप लोग क्रॉस करेंगे तो डाटा अनाउंस नहीं होगा, यानी नो पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का डाटा अनाउंस नहीं होगा। तो ये आप लोग का आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग डाटा को पब्लिश कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने के लिए कि एसएससी की तरफ से 23 अप्रैल को नोटिस निकाला गया है जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो आप लोग एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स हैं या एसएससी सीजीएल के या फिर जो भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये जीओपीटी की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था 2016 में, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इस बार आप लोग का। और अब आप लोग का जो भी डाटा रहेगा वो एसएससी के थ्रू जो एसएससी है वो पब्लिकली वेबसाइट पर अनाउंस करेगी और डीओपीटी की वेबसाइट पर भी अनाउंस करेगी, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनको प्राइवेट एजेंसी रिक्रूट कर सके अगर उनका फाइनल स्टेज में कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स रहेगी आप लोग को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।